हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये भी 7 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे जब 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और ये क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते, बोलता है राइट द मेथड ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे एंड एक्सप्लेन एनी टू दो को। पहले तो मेथड कितने हैं, तो देखिए 4 मेथड हैं। पहले मेथड का नाम है मेथड ऑफ रेडिएशन, दूसरा है मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरा है मेथड ऑफ ट्रावर्जिंग और चौथा है मेथड ऑफ रिसेक्शन। ये 4 मेथड हैं। इसमें से 2 मेथड पहले वाले जो 2 मेथड है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मेथड ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल कैसे है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये वाला मेरा जो ये अंदर की साइड में ये जो लंब चौरस दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर, ये मेरा बोर्ड है, प्लेन टेबल का बोर्ड है, ठीक है। और ये जो आप बाहर के साइड में ये पेंटागोनल जो देख रहे हैं ना, ये कोई फील्ड है। इसको मुझे प्लेन टेबल पे सीट पर मुझे ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो ये इसका ए ओ पॉइंट है ना, ये वाला जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पे मैं इसका सेंटरिंग करके सेट कर दूंगा। और उसके बाद मेरा ओ से लेके सपोज डेट, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट है, ये बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और ये ई है, ठीक है। तो मैं ओ से ए तक का पहले टेप से मेजरमेंट करूंगा और जितना डिस्टेंस है बाई स्केल लेके मैं ओ से ए, ये इसमें देखो स्मॉल में लिखा होगा, स्मॉल लेटर में हमने ओ से लेके ए तक हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया। फिर वैसे ही बी का भी मेजरमेंट किया और बी के हिसाब से इसकी लाइन ड्रॉ कर दी, सी का भी, डी का भी और ई का भी, और इन सभी को मिला दिया तो ये जैसा है उसी प्रकार से ये बन जाता है। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे लिखा भी है, देखिए दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड एंड इट इज यूजफुल ओनली When the whole tower can be commanded from a single station, एक स्टेशन से ये पूरा का पूरा कमांड हो सके, तब ये मेथड ऑफ रेडिएशन होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सेट अप द प्लेन टेबल एट ओ स्टेशन, ओ स्टेशन पे एंड लेवल इट, ट्रांसफर पॉइंट ओ ऑन टू द सीट बाय मींस ऑफ द प्लंब फोर्क, वी यू फॉर प्लंब होता है, उसके थ्रू हम उसका सेंटरिंग पॉइंट दे देते हैं किस पे, सीट पे। उसके बाद एलिडेट की हेल्प से, देखो एलिडेट होता है, ठीक है। प्लेन टेबल के अगर मेरे वीडियो अगर समेंगे चैनल पे देखेंगे तो मेरे वीडियोज हैं उसमें आप जाकर देखेंगे, तो आपको एलिडेट की हेल्प से हम ओ से ए की तरफ ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ द रे अलोंग द फाइड्यूशियल एज ऑफ द एलिडेट, मेजर डिस्टेंस ओ ए, ठीक है, एंड ग्राउंड एंड पुट दिस लेंथ द सुटेबल स्केल, कोई स्केल लेके पेपर पे हमने उतना ही कर देना है। सिमिलरली हमने सी डी ई और बी का भी कर देना है, ठीक है। जिस प्रकार से ग्राउंड का डिस्टेंस लिए इस प्रकार से यहाँ पर ज्वाइन कर दिए ए बी सी डी ई को। फिर बाद में हमने क्या कर देना है, फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क मेजर द डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी डी ई ई ए एंड कंपेयर देम विद द लेंथ ए बी बी सी सी डी डी ई रिस्पेक्टिवली ऑन पेपर, उसे कंपेयर करके चेक भी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। मेथड ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो मैं मान लो यहाँ पे स्टेशन पे ये जो मेरा पॉइंट है, एक पॉइंट ये है ग्राउंड का, एक मेरा ये बी पॉइंट यहाँ पे है, सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो ए पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, ये प्लेन टेबल को लगाया और आप देखेंगे तो ए से बी का मेजरमेंट मैं ले पा रहा हूँ टेप से, बट ये डी का सी का नहीं ले पा रहा हूँ, ये डी वाला और सी वाला मेजरमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, मेजरमेंट नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन ये डी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट मुझे विजिबल है। तो मैंने क्या किया, इन सभी की लाइन ए पॉइंट से मैंने बी की भी कर दिया, ई का भी कर दिया और डी का भी कर दिया, मतलब सी का भी कर दिया। फिर उसके बाद से बी तो मेरे को मेजरमेंट टेप था तो बी का तो एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया, फिर ये वाला जो सेटअप है वो यहाँ पर लाकर सेटअप कर देना, ठीक है। और जिस प्रकार से था देखो ए बी का, और फिर उसके बाद से बी से बाइसेक्ट करो सी को और बी से बाइसेक्ट करो डी से डी को एलिडेट की हेल्प से, और देखोगे जो पहले लाइन बनी थी उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट भी मिल जाएगा और सी पॉइंट भी मिल जाएगा, ठीक है। वही चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया, चलिए देख लेते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड, मुझे अगर ग्राउंड पे डिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो पॉसिबल ना हो, ठीक है, तब उसके लिए करते हैं। लेकिन जो लोकेशन है ऑब्जेक्ट का वो मुझे साइट हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। वही दूसरा पॉइंट बोला है, क्या बोला, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय स्टार्टिंग एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू प्लेन टेबल स्टेशन एंड ड्रॉ द रेज, द इंटरसेक्शन ऑफ दीज रेज विल बी गिव द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये पूरा सेटअप वही बताया कैसे कैसे करना है, ये पूरा का पूरा ये पॉइंट बताया है। हालांकि ये तीसरा मेथड मेथड ऑफ ट्रावर्जिंग भी है, मेथड ऑफ रिसेक्शन भी है, तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। 4 में से कोई 2 को एक्सप्लेन करना था,
पहले तो मेथड का नाम, ये जब ये चारों मेथड का नाम बोलेंगे ना तो एक मार्क तो ऐसे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 1.5 मार्क्स इसके सात मार्क का है ना, तो अगर मान लो इसको मैं सात मार्क हूँ और इसको एक मार्क दे दिया बजाय छह, ये तीन मार्क्स का हो सकता है, ये तीन मार्क्स का हो गया, छह और एक सात, इस तरीके से ये मार्क्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से, चाहो तो आप इसको देख के भी आप नोट्स में लिख के और सोल्यूशन तैयार कर सकते हो, या अदरवाइज आपके पास ये है कि वीडियोज को देख के और इसको पढ़ के अभी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और देखते रहिए, और आगे के क्वेश्चंस के लिए आप जरूर कमेंट करें, ठीक है, आगे के क्वेश्चन के लिए जरूर कमेंट करें। सो थैंक यू।